So today we will discuss about the Kenizaro reaction. Kenizaro reaction आपके generally वो aldehydes देते हैं जिनमें आपके alpha hydrogen absent. ठीक है, alpha carbon जैसे आपका मान लो कोई function group आ गया, उसके बाद का जो carbon होता है उसको हम alpha. ठीक है, उसके बाद से carbon को हम beta, उसके carbon के बाद को delta, तो sorry gamma, उसके बाद वाले को delta. तो आपका जो है इस पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए. तो इसके जैसे एग्जांपल है आपका नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड जो है HCHO, ये आपका NOH की प्रेजेंस में आपका CH3COH प्लस HCONA बना. तो इसमें ये जो आपके डी प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है जिसमें आपका जो है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो. ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया इसका और ये रिडक्शन हो गया और ये आपकी कहने जा रहा रिएक्शन हो गई डिस प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन. इसके साथ साथ जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड जो है के अलावा जैसे आपका बेंजल्डिहाइड है, इसके लिए आप दो मोल ले कंसेंट्रेटेड एनओएच की प्रेजेंस में तो आपका सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजाइड अल्कोहल बन. इसी तरीके से आप ये भी ले सकते हैं Me3 और C बॉन्ड CHO, इसके दो मोल्स ले लें कंसेंट्रेटेड NOH की प्रेजेंस में तो आपका Me3 CONA प्लस Me3 C. ठीक, CH2OH. तो ये आपके एक टिपिकल एग्जांपल है Kenizaro रिएक्शन. Kenizaro रिएक्शन में ये भी हो सकता है कि आपका एक एल्डिहाइड ये हो एक ये हो, वो हम एग्जांपल क्रॉस Kenizaro रिएक्शन में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है जिसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर Kenizaro रिएक्शन भी कहते हैं, तो इनको हम अलग अलग एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन क्या होगी? तो इसके पास आप देखें तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका CH2OH प्लस Na एक कंपाउंड बन फुल एल्कोहल और फुल सोडियम. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ Kenizaro रिएक्शन. ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म को और केमिकल काइनेटिक्स को दोनों को इंटररिलेट करें. ठीक है, तो आपका जो Kenizaro रिएक्शन है Kenizaro साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है फॉर्मल्डिहाइड के दो मोल्स दिए. सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल लेते हैं हम, या आपके कंसंट्रेटेड NOH की प्रेजेंस में CH3OH प्लस आपका HCO आपका नेगेटिव वन प्रोड्यूस कर. ठीक है, इसका आप आगे हाइड्रोलिसिस कर ले HIN प्रेजेंस में और H2O तो आपका HCO. तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको यदि हम डिस्कस करें तो वो जो है आपकी इस तरीके से होती है, जैसे HCHO प्लस OH नेगेटिव
ठीक है, तो OH आपका ऑक्सीजन पे जाएगा या कार्बन पे जाएगा, इसको समझने के लिए भी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके बॉन्ड पेयर की तरफ खींच लेगा, ठीक है, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा तो OH इस पर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, ये आपकी बहुत फास्ट हो और इसमें आपका ये प्रोडक्ट बनता है HCO नेगेटिव बॉन्ड O H बॉन्ड OH। अब ये जो बॉन्ड है आपका, ये आपका जो है अगले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, सॉरी ये एच एस, ये आपका अगले फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो ये जो है आपका ये यहां पर आ जाता है और ये जो है आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, और ये नेट रिजल्टेंट ये बनता आपका, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ये आपका जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसमें जो है आपका एच सी डबल बॉन्ड बॉन्ड टू एच बन गया है, प्लस आपका एच सी एच टू नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड एच, इनमें आपका प्रोटोन एक्सचेंज हो जाता है, ये आपका प्रोटोन यहां पहुंच गया, नेट रिजल्टेंट आपका ये। अब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके बेसिस पर हमारे को रिएक्शन की ऑर्डर निकाल, तो इसको जस्ट मान लिया हमने क्या ए नेगेटिव, ठीक है, तो आपका जो रेट है वो आपका R इज इक्वल टू ए नेगेटिव और एच सी एच ओ पर डिपेंड, ठीक है, ये जो R नेगेटिव है R है ए नेगेटिव एच सी एच ओ पर डिपेंड करता है। अब ये ए नेगेटिव क्या है, ये तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट है, तो ये रिएक्शन में जब इंटरमीडिएट है आपका, तो आपका जो है रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो लिखते नहीं, हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, तो इसके लिए आपने मान लिया के इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इसको आप के वन भी मान सकते हैं, तो जो है के इक्विलिब्रियम में जस्ट क्या हो जाएगा आपका, के इक्विलिब्रियम में जस्ट क्या होगा आपका, ए नेगेटिव ओवर आपका एल सी एच ओ OH नेगेटिव, ठीक है, अब आप जो ए नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करें निकाल के इससे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K1 K इक्विवेलेंट इक्विलिब्रियम इनटू HCHO OH नेगेटिव, ठीक है, और HCHO, क्या जाएगा ये कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका, तो R इज इक्वल टू यहां के रख दिया हमने, ये HCHO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया, ये आपका OH नेगेटिव, तो इस रिएक्शन की जो आपकी ऑर्डर है वो क्या होगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो नॉर्मल जब आपके कंसंट्रेटेड NOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं केनिजारो रिएक्शन सिंपल, तो उसमें जो आपकी ऑर्डर है वो 3 होगी। अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए थे आपके मैकेनिज्म में, पहली बार मैकेनिज्म में, उसमें केनिजारो रिएक्शन में NOH की रिएक्शन कराई गई थी, तो लेकिन NOH की कंसंट्रेशन हम लो लेते हैं, लेकिन यदि आपके NOH की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो तो आपका क्या होगा, तो आपका HCHO फिर दो मोल लगे होंगे NOH हाई कंसंट्रेटेड है, उसकी बहुत हाई,
तो आपका एस यू नेगेटिव प्लस ये थ्री ओ नेगेटिव, ठीक है, तो इसको भी जो है वो एनालाइज कर। तो इसकी जो जैसे हमने पहली रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करी थी उसमें जो आपके लो कंसंट्रेशन पर कैनिजारो रिएक्शन थी वो थर्ड ऑर्डर की थी और बायमोलिकुलर की, पर ये जो रिएक्शन है ये आपकी इसका जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो कि एच सी एच ओ की पावर टू ओ एच माइनस टू, तो ये आपकी ऑर्डर इसकी फोर है एच सी एच ओ के रेस्पेक्ट में दो और इसके रेस्पेक्ट में, जो कि हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। तो इसी के बेसिस पर इसकी मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करते हैं, उससे ही इसका रेट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका एच सी एच ओ जो है मॉलिक्यूल जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच ओ एस मॉलिक्यूल आगे इस पर अटैक करा, फिर वो इस नेगेटिव में फिर अटैक करा, ठीक, वो इसका जो है वाटर ले गया अपने साथ माइनस एच टू, दूसरा मॉलिक्यूल आया सी ओ एच का, तो इसमें जो है आपका ये स्टेप का आपका जो है एक का हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ यहां से, ये आपका स्टेप थर्ड है आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर का, आपका जो है मॉलिक्यूल इसमें जो थर्ड स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसका मान लिया हमने नेम ए नेगेटिव था, इसका नेम क्या होगा आपका ए माइनस टू, तो आज जो रेट होगा वो के आपका मान लो इसका जो है आपने के थ्री मान लेते हैं और रेट कांस्टेंट को के थ्री और ए माइनस टू की कंसंट्रेशन ओवर के टू एच सी एच ओ, इसका के किलोग्राम वन इसका के किलोग्राम टू मान लिया जाए कॉन्स्टेंट, तो के किलोग्राम टू क्या होगा आपका दैट इज इक्वल टू ए माइनस टू, ठीक है, और अपॉन ए नेगेटिव ओवर ओ एस नेगेटिव, के किलोग्राम वन इजिकल्स टू ए नेगेटिव और एच सी एच ओ इंटू ओ एच नेगेटिव, तो ए नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगी इसमें मल्टीप्लाइज की कर दी हमने, ठीक है ना, तो ये जो ए नेगेटिव वैल्यू आपके ये दोनों ने इधर ले गए ये यहाँ पर पुट कर दी, तो के इक्विलिब्रियम टू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ए माइनस टू अपॉन एच सी एच ओ इंटू टू एच ऑलरेडी फाइव और एक कौन सी हो गया, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये ए माइनस टू का लिया आगे और ये जो आपका के इंटू के यहाँ पर जो है वन बाई ए इक्वल वन, ठीक, अब यहां से आपने जो है ए माइनस टू का निकाल लेंगे उसको हम यहां पुट कर देंगे, ठीक, तो ये वैल्यू सारी यहाँ पर आ जाएगी एज इट इज, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के थ्री के किलोग्राम टू
क्लोरो 1 इंटू एच सी एच ओ, ओ एच का माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये एच सी एच ओ। तो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू K मान लीजिए यार एक कांस्टेंट लीजिएगा H C H O स्क्वायर O H की माइनस। तो ये जो आपका ऑर्डर है यहाँ पर बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होने पे एन एच की ऑर्डर जो है आपकी कैनिजारो रिएक्शन की 4। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन ये IIT के बहुत पसंदीदा टॉपिक्स हैं और इनमें जब बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, इनमें तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।